लेट कर दिया भाई। भाई गोविंद कांडा, भाई गोविंद कांडा, जय श्री राम। देखिए जल्दबाजी में प्रोग्राम बनाया गया है, लेकिन जो मैं शहर में उत्साह देख रहा हूँ, उस उत्साह को वाकई में ही प्रणाम करता हूँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरा सर्व समाज जो हर समय तन मन धन लेकर खड़ा है भगवान श्री राम के लिए, और लोगों में उत्साह है कि इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा को ऐतिहासिक शोभा यात्रा मनाएंगे। तो इस शोभा यात्रा में सबसे बड़ी जो चीज़ देखने को मिलेगी लोगों को कि पूरे सर्व समाज की तरफ से यहाँ इस शोभा यात्रा में सभी की झांकी शामिल होगी और भगवान श्री राम की ये शोभा यात्रा ऐतिहासिक शोभा यात्रा बनेगी। सिरसा में धार्मिक स्थल बहुत है, ये तो उनको किस प्रकार से इस सारे, देखिए हमने सभी धार्मिक स्थल सामाजिक सोशल या व्यापारी सभी को हमने फोन पर समाचार दिया कि हमारी एक ऐसी भावना है कि भगवान श्री राम की ये शोभा यात्रा बहुत ऐतिहासिक बने, और सभी ने इस चीज़ में सहयोग दिया है कि सभी संस्थाएं सिरसा की, चाहे मंदिर के रूप में हैं, चाहे आश्रम के रूप में हैं, या कोई भी मतलब डेरे के रूप में हैं, या कोई भी रामलीला है, या भी कोई भी संस्थाएं हैं, जो सभी हमारे साथ उन झांकियों के रूप में चलेंगे और ये कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा बनेगी। ये शोभा यात्रा यहाँ से जब चलकर श्री बाबा तारा कुटिया में पहुँचेगी तो वहाँ भी एक ऐतिहासिक माहौल बनेगा कि वहाँ कुटिया को दीपों से सजाया जाएगा और सभी लोग सिरसावासी एक एक वहाँ दीपक जलाकर भगवान श्री राम को याद करेंगे और एक दिवाली के रूप में, ऐतिहासिक दिवाली के रूप में सिरसा के अंदर उस दिन दिवाली बनेगी। देखिए अभी जो दीपक 11,000 या 21,000 जितने भी दीपक लगेंगे कि कुटिया का कोई स्थान खाली नहीं रहेगा और वहाँ मेरे सिरसावासी मेरे परिवार के सदस्य वहाँ पहुँचेंगे और एक एक दीप वहाँ जलाकर एक एक दीप से वहाँ दीपमाला करेंगे और ऐसी दीपमाला करेंगे लोग उसको ऐतिहासिक दीपमाला होगी और भगवान श्री राम को याद करेंगे वहाँ। और ऐतिहासिक जो काम होने जा रहा है अयोध्या में, उसके बाद यहाँ सिरसावासियों को देखने को मिलेगा। जी 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 11 फुट की मूर्ति भगवान श्री राम हमारे साथ इस शोभा यात्रा में चलेंगे। 31 फुट की मूर्ति बनकर बन रही है, चल रहे हैं, काम चल रहा है श्री बाबा तारा कुटिया में। वो 22 तारीख शाम को उसका अनावरण करेंगे भाई गोपाल कांडा जी, और उसके साथ साथ दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके साथ साथ भजन संध्या चलेगी और उसके साथ साथ भंडारा चलेगा। ये बाबा तारा जी के आशीर्वाद से तारा बाबा कुटिया में सभी कार्यक्रम होंगे। हाँ, उसमें भजन संध्या में कन्वर ग्रेवाल जी उस दिन भगवान श्री राम के भजन गाकर लोगों को सुनाएंगे। देखिए मैं मेरे सिरसावासियों से, मेरे परिवार के सदस्यों से यही कहना चाहूँगा कि उस दिन आप सभी शोभा यात्रा में बाबा तारा कुटिया में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इस शोभा यात्रा की शोभा आपसे बनेगी, इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक करने के लिए कि राम चक्र टूटे ना और कोई घर छूटे ना, राम की कसम खाकर जाएंगे शोभा यात्रा के अंदर, एक व्यक्ति साथ लेकर जरूर जाएंगे। ऐसी एक सूचना हम दे रहे हैं कि लोग घर तक पहुँचें और इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएंगे और बाबा तारा कुटिया में जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे।